बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मेरी वीडियो जो है इसमें मैं आपके साथ असिस्टेंट मैनेजर एएम फिजिक्स का ही एक पेपर शेयर कर रहा हूँ, जो कि कैरियर जॉब्स 1737 का है। और ये टेस्ट जो है 24 फरवरी 2021 में जो है वो कंडक्ट किया गया था। और ये शिफ्ट 4546 का जो है ये टेस्ट है। और इस टेस्ट को भी मैं 2 से 3 वीडियोस में डिवाइड कर दूंगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो चीज़ समझ ना आए कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कंजर्व होती है? तो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, टाइम पीरियड, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये एक सिंपल पेंडुलम जो है मैंने ले ली है, ये इसकी एक्सट्रीम और मेन पोजीशन मैंने दिखाई है। हम पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टाइम और पोजीशन के साथ कैरी करती है। तो ये मैंने यहाँ भी बता भी दिया कि ये जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजिशन होती है इन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, और मेन पोजिशन पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होती है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास टोटल एनर्जी जो होती है वो फिजिकल सिस्टम की वो कंजर्व रहती है। लिहाजा जो टोटल एनर्जी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में कंजर्व रहती है। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व हुई सिंपल हार्मोनिक मोशन में? टोटल एनर्जी। चले अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पीजो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इन अ क्रिस्टल इज। पीजो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या होता है क्रिस्टल में? 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अ वोल्टेज डिवेल्प बिकॉज ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस। तो पीजो इलेक्ट्रिक अफेक्ट यही होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेसेस की वजह से एक वोल्टेज जो है वो डिवेल्प हो जाती है। ये है क्वेश्चन नंबर 3, इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%, व्हाट विल बी द एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। एक स्फीयर है, उसके जो रेडियस को अगर जब हम मेजर करते हैं तो उसमें 1% एरर आता है, और अगर उसके वॉल्यूम को मेजर करें तो उसमें कितने परसेंट एरर आएगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस 4 गिवन है, ठीक है, आंसर भी यकीनन परसेंटेज में ही आएगा क्योंकि सारी ऑप्शंस हमारे पास जो है वो परसेंटेज में ही गिवन है। तो हमें पता है वॉल्यूम जो होता है सफियर का वो होता है वी इक्वल टू 4/3 πr³। और ये चेंज इन वॉल्यूम हम ले लेते हैं क्यों, क्योंकि हमने मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास 3 Δr/r आ जाएगा। ये बेसिकली जब यहाँ से इसका 3 स्टार्ट में आ जाता है पावर रूल लगा के, आपको पता है जब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ से Δv/v हमारे पास आ गया 3 × 1, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो जब हम रेडियस को मेजर करते हैं तो उसमें जो एरर आता है वो 1% आता है। तो ये हमारे पास 3% एरर जो है वो होगा अगर हम सफियर के वॉल्यूम को जो है वो मेजर करें। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास क्या है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स हैविंग अनइक्वल मैसेस एंड अनइक्वल रेडियाई आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम हाइट ऑन द रफ इंक्लाइन इफ द स्फीयर रोल विदाउट स्लिपिंग। तो ये 4 ऑप्शन जो है इसमें गिवन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूँ कि 2 हमारे पास यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स हैं जिनके मास भी डिफरेंट है और रेडियाई भी डिफरेंट है, उन्हें सेम हाइट से हम इंक्लाइन सरफेस के ऊपर जो है वो छोड़ते हैं, तो अगर कोई स्फीयर स्लिप नहीं हो रहा तो बताएं इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है ठीक होगी। तो ये मैंने यहाँ पे एक आपको इंक्लाइन सरफेस दिखाई है, ये स्फीयर जो है वो रोल कर रहा है, ये इसकी मैंने कंपोनेंट दिखाया है mg sin θ, और क्योंकि फ्रिक्शन मौजूद है, रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में ऑपोजिट कर इसमें एक्ट कर रही होगी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगी mg sin θ − f, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव साइन, ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है f, इसलिए इसका नेगेटिव साइन। और जो हमारे पास fr आ जाएगा वो iα आ जाएगा, और अल्फा को हम a/r² लिख सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये कंडीशन है फॉर रोलिंग, तो ये वहां से मैंने अल्फा को a/r लिख लिया। तो यहाँ a की जगह मैं अच्छा f की जगह मैंने ma पुट कर दिया, इक्वल टू
आई, ये आई की जगह मैंने जो है वो अच्छा एफ इजिकल टू एम ए होता है, तो यहाँ पे जो है एम जी साइन थीटा माइनस एफ की जगह जो है मैंने आई ए बाई आर स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफ आर था ना, तो जब एफ लिखेंगे तो वो आई एल्फा बाई आर आएगा, और एल्फा जो है ए बाई आर है, तो वो आई ए बाई आर स्क्वायर बन जाता है, तो यहाँ पे एम ए हमारे पास क्या आ गया, एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप थोड़ा सा सिंपल करें और ए की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी 5/7 sin थीटा। तो अब आप देख लें कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया एक्सेलरेशन का, इसमें ना कोई मैस है ना कोई इसके अंदर रेडियाई है, तो इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैस और रेडियाई है, लिहाजा जो एक्सेलरेशन जो है दोनों स्फीयर की सेम होगी, और वो जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो भी सेम होगा, क्योंकि हमें पता है एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब है जब टाइम भी, अच्छा इसका मतलब है जब एक्सेलरेशन भी सेम है, दोनों स्फीयर्स की डिस्टेंस भी सेम है, तो उनका टाइम भी जो है वो सेम होगा, तो टू स्फीयर्स रीच द बॉटम टूगेदर, तो ऑप्शन सी जो है ये मेरे पास ठीक है, ये इसका जो है राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इफ बोथ ग्रेविटेशन फोर्स एंड सेंट्रिपिटल फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज एफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज। अच्छा अब ये देखिए, मैंने ये आपको बना दिया, ये एक मैंने ऑर्बिट बना दिया ये बड़े वाला, और ये एक सैटेलाइट है, और इसका मैस एम एस मैंने बता दिया, और ये अर्थ है सेंटर पे, इसका मैस एम बना दिया, ये इस डायरेक्शन को एक जो है बेसिकली क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगी सैटेलाइट पे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि ये वायर को एक्ट करती है, और ये जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी वो क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ये वही फोर्स है जो मोशन प्रोवाइड करती है, और इधर जो है ग्रेविटी है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास एफ सी इक्वल टू जी एम एम एस आर स्क्वायर एफ जी, तो वैसे हम ये देखें तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स बाहर को लग रही है, सेंट्रिपिटल फोर्स जो कि यहाँ पे ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है वो जब अंदर को लग रही है, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम हो तो जवाब हमारे पास जीरो आ जाता है कि नेट फोर्स जीरो है, लेकिन जब हम ग्राउंड से देखेंगे तब हमेशा एक फोर्स लग रही होगी जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स होगी, और वो इस केस में क्या है, वो गिवन है कि वो एफ के बराबर है, लिहाजा जो नेट फोर्स होगी जो सेटेलाइट के ऊपर लगेगी तो ये अर्थ के अराउंड घूमता रहेगा वो एफ होगी, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलें वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, तो इस पेपर का रिमेनिंग पार्ट भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।